So welcome back to the channel guys once again with something new, एक नए शो के साथ, महाभारत एक ऐसा शो जो इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे महंगा शो अब तक का। सिया के राम वॉज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शो, बट महाभारत वॉज इवन मोर एक्सपेंसिव। शो का जो मार्केटिंग बजट था, द एंटायर शो का जो कॉन्सेप्ट था, बिकॉज इट वॉज महाभारत और उनको काफ़ी कहते ना कि काफ़ी रियलिस्टिक और ऑन अ सीरियस नोट पूरा महाभारत जैसे कि डीडी पे दिखाया गया था एक टाइम पर, वैसे ही स्टार प्लस पर वापस दिखाना था। स्वास्तिक प्रोडक्शंस एंड स्टार प्लस दोनों ने मिलकर दे क्रिएटेड द हिस्ट्री वेरी मच लाइक सिया के राम रामायण। दिस शो विल बी वॉच्ड अंटिल एटर्निटी, मतलब इस शो का कभी कोई एंड नहीं होगा। शायद कुछ ऐसे शोज होंगे जो टेलीविजन पर आते होंगे जो अभी लोग नहीं देखते हैं, डेफिनेटली यू नो दे डोंट वॉच इट, बट दिस इज समथिंग एवरी जनरेशन विल कीप ऑन वॉचिंग अगेन एंड अगेन। व्हेन आई वॉज चोजन फॉर महाभारत आई वॉज गिवन अ कैरेक्टर ऑफ धृष्टद्युम्न। जब मुझे महाभारत के लिए कॉल आया, आई वॉज डूइंग अनदर शो दैट इज पवित्र रिश्ता, एंड दीज वेर माई इनिशियल डेज लाइक 2014 जब मेरी शादी नहीं हुई थी। These were my initial shows of my first year in the industry. So I did two shows simultaneously, that is Pavitra Rishta and Mahabharat. You know, to do two shows, it is actually very hectic. क्योंकि एक शो में आपको 12 घंटा देना पड़ता है, तो आपकी डेट्स वगैरह एडजस्ट करनी पड़ती है। पवित्र रिश्ता का शूट जो है वो बॉम्बे में हो रहा था, मुंबई में हो रहा था, अंधेरी ईस्ट, एंड महाभारत का जो शूट दैट वॉज इन उमरगांव विच इज़ इन गुजरात, द बॉर्डर ऑफ गुजरात, जस्ट यू क्रॉस महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर, तो वैसे ही उमरगांव करके, इट्स नॉट अ गांव एक्चुअली, अभी तो कहते ना कि इट्स प्रीटी डेवलप्ड। तो वहाँ पर स्वास्तिक प्रोडक्शन ने कहते ना कि समझ लो कि आधा उमरगांव खरीद लिया है, क्योंकि वो ज़्यादातर शोज जो है ना वहीं पर बनते हैं, वहाँ उनके लॉट ऑफ शोज वहाँ पर बनते हैं। इनफैक्ट मैंने मंगल पांडे का किरदार निभाया फॉर अ ब्रिलियंट शो लाइक स्वराज, a show which is very close to my heart, a character which is very close to my heart, Mangal Pandey. So uska bhi shoot jo hai Umargaon mein hi hua tha. So coming back to Mahabharat, I was called for the audition and Dhrishtadyumna. Now sabse pehle to mujhe jab is character ke liye bola gaya ki aapko Mahabharat ke ek prime character ke liye hum soch rahe hain, and I was very happy that at that point of time when it was my initial stage, this was the right character that was given to me, Dhrishtadyumna, because it was learning for me. I mean, आप इंडस्ट्री में जैसे ही कदम रख रहे हो और आपको अगर लार्जर देन लाइफ अगर बहुत बड़ा कैरेक्टर मिल जाता है ना, तो आप इसे अपना नसीब समझिए। अगर आपको कोई भी छोटे कैरेक्टर से, कोई छोटा कैरेक्टर नहीं होता है, महाभारत या रामायण जो भी हो, ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट कोई ऐसा कैरेक्टर विच इज़ प्राइम बट जिसका रोल लिमिटेड है, आई थिंक दैट वॉज द राइट कैरेक्टर दैट वॉज गिवन टू मी। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कौरव पांडव, फिर उनके रिश्तेदार, फिर इनके रिश्तेदार, आई वुड से 150-200 कैरेक्टर्स, कभी कभी तो 60-70 कैरेक्टर एक ही दिन में शूट करते थे लाइक टुगेदर, जब युद्ध वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी। तो आई वॉज ट्विन ब्रदर ऑफ द्रौपदी, द्रुपद ने अपने दुश्मन द्रोणा को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए बड़ी कड़ी तपस्या से धृष्टद्युम्न को यज्ञ करके आग में से पैदा किया था, एंड राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ धृष्टद्युम्न द्रौपदी का जन्म हुआ। सो इट इज सेड दैट धृष्टद्युम्न इज द्रौपदीज ट्विन ब्रदर, एंड ही वॉज बॉर्न टू किल द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य द गुरु ऑफ एवरीवन, उन्हें मारना नामुमकिन है, उन्होंने खुद ने स्वीकारा था कि मेरा अंत अभी आ गया है, आओ धृष्टद्युम्न मुझे खत्म करो, बट आई डोंट थिंक सो धृष्टद्युम्न उन्हें मार पाता। सो नाउ यू कैन सी द वेटेज ऑफ द कैरेक्टर, धृष्टद्युम्न अगेन द्रौपदी ट्विन ब्रदर, द वन हु किल्ड द्रोणाचार्य एंड द वन हु वॉज लीडिंग पांडवाज आर्मी इन महाभारत, द वन हु होस्टेड द्रौपदी स्वयंवर व्हेन शी गॉट मैरिड टू अर्जुना। सो दिस वॉज द बेसिक ओवरऑल इंट्रोडक्शन गिवन टू मी व्हेन दे कॉल्ड मी फॉर धृष्टद्युम्न।
मैंने ऑनेस्टली इस कैरेक्टर के बारे में सुना नहीं था. आई वॉज लाइक वेन ही कॉल्ड मी सर आपको एक कैरेक्टर के लिए बुला रहे हैं विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसका नाम है धृष्टद्युम्न. फॉर अ मोमेंट आई वॉज लाइक सॉरी वॉट्स कैन यू जस्ट रिपीट दैट नेम अगेन धृष्टद्युम्न. ओके इनफैक्ट इट वॉज मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए ये कैरेक्टर का नाम. तो जब उन्होंने मैसेज किया आई गूगल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इनफैक्ट गूगल पे बहुत लिमिटेड जगह पर बहुत लिमिटेड वेबसाइट पर उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी. धृष्टद्युम्न इन डीडी इन द दूरदर्शन महाभारत ही वॉज डेफिनेटली देयर बट स्टिल पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट हिम एंड पीपल स्टार्टेड नोइंग धृष्टद्युम्न आफ्टर स्टार प्लस महाभारत. बट जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें मुझे कास्टिंग वालों ने बताई मुझे. सो ही कॉल्ड मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द ऑडिशन. उस टाइम पे मैं क्या कहते हैं उसको मुंडा कुकड़ कमाल था, जवान बॉडी बॉडी बनी हुई एकदम मस्त फर्स्ट क्लास लेकर चिजल्ड बॉडी लेकर मैं चला गया महाभारत के ऑडिशन के लिए. एवरी ईच एंड एवरी एक्टर जो युद्ध में होने वाला है कौरव पांडवास दे शुड डेफिनेटली हैव अ गुड फिजिक बिकॉज दे गोना फाइट. सो दे वॉन्टेड द एंटायर कास्ट जो भी युद्ध में जाने वाले हैं डेफिनेटली यू नो दे एवरी वन शुड हैव दिस वॉज द क्राइटेरिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपार्ट फ्रॉम यू बींग अ डिसेंट एक्टर ये भी होना ज़रूरी था. देर वॉज नो ऑप्शन वी हैड टू वर्क ऑन आवर बॉडीज. महाभारत के शूट के समय एक मेजोमॉर्फ करके जिम है विच इज़ इन उमरगांव. इट इज़ अ वेरी गुड जिम ऑल्सो. वहाँ पर सारे आर्टिस्ट की मेंबरशिप वहाँ पर स्वास्थ्य प्रोडक्शन की तरफ से एनरोल की गई थी कि आप अपना जब भी समय मिलता है आप वहाँ पर जाके वर्कआउट करिए बट मेक श्योर दैट योर बॉडी इज मेंटेन नो मैटर व्हाट. सारा डाइट सारी चीज़ें हम आपको देंगे. मतलब आपको जो भी चाहिए एक पेपर आता था हमें आपको जो भी खाने में चाहिए वो लिख के दीजिए हमें और वो सारी चीज़ें आपको डिनर लंच में आपको जो भी चाहिए आपको दिया जाएगा. बट मेक श्योर दैट योर बॉडी योर फिजिक इज मीटिंग आवर एक्सपेक्टेशन बिकॉज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एंड दैट वॉज द ओनली रीजन वाई एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट. आई मीन हर आर्टिस्ट की जो देखभाल की गई है वहाँ पर महाभारत के सेट पर बिकॉज शो की रिक्वायरमेंट भी ऐसी थी. भीम आई स्टिल रिमेंबर भीम दूध केले खा खा के भाई में जो दम था 6 फीट 7 इंच का आदमी है वो. उसके साथ मेरी फोटो है मैं डालूंगा नहीं लेकिन ये फोटो नहीं दिखाऊंगा मैं. इसको स्किप करते इसको जाने देते. 6.7 ही इज़ अ रेस्लर नाउ बट ही इज़ अ वेजिटेरियन. ही इज़ अ वेजिटेरियन एंड हमारा जो गदा हुआ करता था ना वो गदा जो था ना इट वॉज अराउंड 20 kgs. तो हम बाकी के जो आर्टिस्ट होते थे ना उनको 20-25 kgs का गदा उठाने के लिए दो हाथ लगते थे. ऐसे दो हाथ करके ऐसे करके ऐसे गदा उठाते थे गदा से मारामारी करते थे. दिस गाय भीम आई स्टिल रिमेंबर देर वर अदर एक्टर्स ऑल्सो अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो बट स्पेसिफिकली बिकॉज मैंने भीम के साथ शूट किया है सो आई रिमेंबर भीम जो है वो एक हाथ से वो गदा उठा लेता था 25 किलो का. वो एक हाथ से ऐसे करके ऐसे रख देता था. उसको अगर फेंकना भी होता ना गदा तो एक हाथ से ऐसे करके ऐसे फेंक देता था. बट वो प्रोफेशनल रेसलर रहा है उसका बॉडी फ्रेम ऐसा रहा है सो ही वॉज एबल टू डू दैट. सो दैट वॉज भीम वेरी लार्जर देन लाइफ. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू नेम अ हीरो हीरो कौन होता है. हीरो वो होता है जिसके पास हीरोइन होती है. हीरो वो होता है जो असली विलन का वध करता है. असली विलन कौन था महाभारत में. आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ वेरी लिटिल कहते ना कि एक्सक्यूज मी फॉर सम टाइम मैं थोड़ा वो कैजुअल बॉलीवुड स्पेसिफिक तरीके से बात कर रहा हूँ. द्रौपदी तो भीम के पास भी थी है ना. और आई थिंक द मेन विलन इन महाभारत आई वुड से इट वॉज शकुनी ऑफकोर्स बट स्टिल अगर उसको ऐसे कहते ना कि मसाला टाइप अगर देखने जाए तो वो होता है दुर्योधन. सो दुर्योधन आई कैन से इज़ अ मेन विलन. सो आई फील भीम ने दुर्योधन का अंत किया. द्रौपदी बिलोंग टू भीमा ऑल्सो. हीरो तो भीम हुआ ना. आई पर्सनली फील. सो नाउ कमिंग बैक टू एक्चुअल महाभारत. So there is the hero of Mahabharata is Krishna.